हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 13 जुलाई 2019 और यह हमारी 195वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। दोस्तों अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है जापान और सिंगापुर। ये दोनों ही संयुक्त रूप से पहले स्थान पर मौजूद हैं, यानी इन दोनों देशों का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर है। दोस्तों हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 की रैंकिंग में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। वहीं इस लिस्ट में भारत की बात की जाए तो भारत 86वें नंबर पर है। ये एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत 86वें नंबर पर है। और वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान भारत से 20 रैंक पीछे है। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिनलैंड, जर्मनी और दक्षिण कोरिया है। तो आपको ये इस लिस्ट के बारे में याद रखना है, पहले स्थान पर है संयुक्त रूप से जापान और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लिंक्डइन का न्यू कंट्री मैनेजर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आशुतोष गुप्ता। हाल ही में आशुतोष गुप्ता को लिंक्डइन में नया कंट्री मैनेजर बनाया गया है। दोस्तों ये लिंक्डइन में महेश नारायण की जगह लेंगे। सोशल नेटवर्किंग कंपनी लिंक्डइन ने आशुतोष गुप्ता को नया कंट्री मैनेजर बनाया है। उनकी नियुक्ति 2 सितंबर 2019 से जारी की जाएगी। दोस्तों ये महेश नारायण की जगह लेंगे। आशुतोष को इंटरनेट, आईटी, सॉफ्टवेयर, गूगल, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में काम करने का 2 दशक का अनुभव है। तो आपको याद रखना है लिंक्डइन में न्यू कंट्री मैनेजर होंगे आशुतोष गुप्ता। दोस्तों अब बात आई है लिंक्डइन की, तो आपको इसके बारे में बता दें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लिंक्डइन का फाउंडेशन या ये कब बनाई गई थी कंपनी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 28 दिसंबर 2002 को लिंक्डइन बनाई गई थी। लिंक्डइन का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और इसके फाउंडर हैं रेड हाफमैन। दोस्तों अभी जो हाल ही में लिंक्डइन के सीईओ हैं वह है जेफ बाइनर। तो इतना आपको लिंक्डइन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्ट में शिक्षा सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 23वां स्थान है। दोस्तों मध्य प्रदेश का शिक्षा सूचकांक में देश में 29 राज्यों में से 23वां स्थान हासिल है। दोस्तों ये बहुत कंडीशन खराब है हमारे मध्य प्रदेश की, शिक्षा सूचकांक में 23वां स्थान है। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की, तो अभी भी दोस्तों आय हाल ही में बढ़ी है, लेकिन फिर भी देश में जो मध्य प्रदेश का स्थान है वह 27वां है। 29 राज्यों में 27वें नंबर पर है मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में। तो आपको इन दोनों सर्वे के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन पर बैन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सिख फॉर जस्टिस। हाल ही में सिख फॉर जस्टिस संगठन पर बैन किया गया है। ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दोस्तों भारत के खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस पर रोक लगा दी गई है। अलगाववादी एजेंडे के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। पंजाब में माहौल बिगाड़ने की खबरों के बाद रक्षा एजेंसियों ने लंबे समय से सिख फॉर जस्टिस की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी और इसी के बाद सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया गया है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर की चिरौंजी की बर्फी की ब्रांडिंग सरकार करेगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सागर। सागर के चिरौंजी की बर्फी का सरकार ब्रांडिंग करेगी। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश में बजट अनाउंस हुआ है, तो उसमें कुछ प्रदेश की जो चुनिंदा चीजें हैं उनको लेकर सरकार ब्रांडिंग करेगी और उन्हीं चीजों में से एक है सागर की चिरौंजी की बर्फी, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ब्रांडिंग करेगी। दोस्तों पिछले 68 साल से यानी 68 साल से सागर में ये चिरौंजी की बर्फी बनाई जा रही है स्पेशल तौर पर। दोस्तों अब आपको मैं सागर के बारे में आज कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों कल ही मैंने आपको सागर के इंपोर्टेंट फैक्ट बताए थे और ऐसा कोई वीक नहीं जाता है जिसमें कोई भी इंपोर्टेंट फैक्ट आपको सागर के बारे में मैं ना बताऊं। तो आज वीडियो को पॉज करें आप, इसके बाद वीडियो आप तभी देखें जब आप सागर के कुछ गिने चुने ये इंपोर्टेंट फैक्ट हैं वो आप याद कर लें, तो ये जरूर है दोस्तों आपको रिवाइज करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली एथलीट कौन है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दुती चंद्र। दोस्तों आपको बता दें दुती चंद्र गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी रह चुकी हैं और इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट बन गई हैं। दोस्तों 23 साल की दुती ने 100 मीटर रेस 11.32 सेकंड में पूरी कर गोल्ड मेडल जीता है। दुती चंद्र ने मई में समलैंगिक होने की बात को सार्वजनिक किया था। दुती की जीत के बाद उन्होंने हाल ही में ट्वीट भी किया है। दोस्तों 11.33 सेकंड में दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड की डेल पोते रही हैं। तो आपको इतना दुती चंद्र के बारे में याद रखना है, ये एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय सुब्रतो फुटबॉल कप कहां खेला जा रहा है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में राज्य स्तरीय सुब्रतो फुटबॉल कप खेला जा रहा है। दोस्तों अब बात आई है छिंदवाड़ा की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको छिंदवाड़ा के बारे में बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। दोस्तों छिंदवाड़ा में पातालकोट स्थित है जहां पर भारिया जनजाति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों देश का प्रथम मसाला पार्क यही छिंदवाड़ा में बनाया गया है। मानव संसाधन विकास केंद्र की स्थापना भी छिंदवाड़ा में ही की गई है। एग्रो कॉम्प्लेक्स फूड पार्क की स्थापना भी छिंदवाड़ा जिले में ही की गई है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बादल भेई आदिवासी संग्रहालय जिसे 1954 में बनाया गया था, यह भी छिंदवाड़ा में ही स्थित है। दोस्तों देवगढ़ में गौड़ राजाओं की राजधानी थी, ये भी यहीं पर स्थित है। लिलाही और तामिया जलप्रपात स्थल स्थित है छिंदवाड़ा में। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिलाही और तामिया जलप्रपात छिंदवाड़ा में ही स्थित है। कंकन, पेंच घाटी और परासिया प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं छिंदवाड़ा में। तो इतना आपको छिंदवाड़ा के बारे में याद रखना है। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन बनी है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ओयो। ओयो होटल कंपनी है जो हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन बनी है। दोस्तों आपको बता दें ओयो की जो ओयो होटल्स एंड होम्स कमरे की संख्या के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन बन गई है। कंपनी ने हाल ही में बयान जारी किए हैं, 2019 तक कई पुराने हॉस्पिटैलिटी ब्रांड के पीछे छोड़ते हुए यह तीसरे स्थान पर आ गई है। दोस्तों 6 साल में ही ओयो ने 800 से ज्यादा शहरों में 23,000 से अधिक ओयो ब्रांडेड होटल और 5,00,000 कमरे विस्तारित किए हैं। दोस्तों अब बात आई है ओयो की, तो आपको ओयो के बारे में बता दें। दोस्तों ओयो कंपनी की स्थापना 2013 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। इसके फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल और सीईओ हैं आदित्य घोष। तो इतना आपको ओयो के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के जेल के कैदियों का खाना अब ऑनलाइन मिलेगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है केरल। केरल के जेल के कैदियों का खाना अब ऑनलाइन दिया जाएगा।
दोस्तों यह इस खाने की कीमत 127 रुपए होगी। जेल के कैदियों का बना खाना जल्दी ही ऑनलाइन नजर आएगा केरल में बिकता हुआ। दोस्तों इसकी कीमत 127 रुपए रखी गई है। केरल के त्रिशूर स्थित वयूर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को स्वरोजगार के तौर पर कुकिंग और फूड पैकेजिंग का काम दिया गया है। योजना के तहत कैदियों द्वारा बनाया गया खाना अलग-अलग ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों के द्वारा बेचा जाएगा। दोस्तों अभी तक उनका खाना जेल के बाहर स्थित काउंटर पर ही बेचा जाता था, लेकिन अब अलग-अलग कंपनियों ऑनलाइन कंपनियों को दिया जाएगा। दोस्तों अब बात आई है केरल की, तो आपको मैप में केरल के बारे में बता दें। दोस्तों मैप में ये जगह केरल को दर्शाती है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। गवर्नर है पी सथाशिवम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्लेस दुनिया के टॉप 10 महंगे ऑफिस मार्केट में शामिल हुआ है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कनॉट प्लेस दिल्ली। हाल ही में कनॉट प्लेस जो दिल्ली में है, यह दुनिया के टॉप 10 महंगे ऑफिस मार्केट में शामिल हुआ है। दोस्तों हाल ही में CBRI ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें हांगकांग का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, यह दुनिया के जो महंगे ऑफिस मार्केट हैं उसमें पहले स्थान पर है। और इसका नाम क्या है? सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, और ये हांगकांग का है। दूसरे नंबर पर वेस्ट एंड है जो लंदन का है, और तीसरे स्थान पर है कोलून जो हांगकांग से है। और इसी लिस्ट में हमारा कनॉट प्लेस जो दिल्ली में है यह 10वें स्थान पर है। दोस्तों कनॉट प्लेस के 1 वर्ग फीट का किराया लगभग 10,080 रुपए तक है। तो ये एक बहुत महंगा प्लेस है जो हमारे दिल्ली में है। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश की शिक्षा, चिकित्सा और आयुष मंत्री विजय लक्ष्मी साधु ने यह जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में पंचकर्म और शिरोधारा की सुविधाएं जल्द ही शुरू की जाएंगी और मध्य प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है ये होगा ऐसा मध्य प्रदेश में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ल्ड कप 2019 में किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मिशेल स्टार्क। हाल ही में मिशेल स्टार्क ने वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। दोस्तों एक अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं। अभी तक जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा 26 विकेट लिए हैं मिशेल स्टार्क ने। अभी तक इतने विकेट किसी भी खिलाड़ी ने नहीं लिए हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट में। तो ये एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जानते हैं मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलते हैं। दोस्तों अब आपको वर्ल्ड कप 2019 के बारे में बता दें। दोस्तों 2019 का जो वर्ल्ड कप है यह क्रिकेट वर्ल्ड कप 12वां एडिशन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी ये फैक्ट बता रहे हैं दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है। 12वां एडिशन है। यह इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है। 30 मई से शुरू हुआ था और 14 जुलाई 2019 को समाप्त होगा यह वर्ल्ड कप 2019। दोस्तों इसमें फाइनल में हाल ही में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दो टीमें पहुंची हैं फाइनल में। दोस्तों इतना आपको वर्ल्ड कप 2019 के बारे में याद रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का कल का क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का पहला सेलिंग स्कूल कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन था दोस्तों भोपाल में 2006 में पहला सेलिंग स्कूल शुरू किया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं हाल ही में किस जिले में अभिप्रेरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। और दोस्तों मध्य प्रदेश का बजट से रिलेटेड, जो हाल ही में मध्य प्रदेश का बजट आया है 2019 का, उससे रिलेटेड एक वीडियो बन चुका है। वो हो सकता है आपके लिए कल या परसों तक मिल जाए, तो आप वो वीडियो दोस्तों बहुत गौर से देखें।
क्योंकि उसमें हर एक चीज डिटेल से बताई गई है, विस्तार से बताई गई है और आपको रट जाएगी, ऐसी चीजें उसमें बताई गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।